बजट नामंजूर, शहर की बड़ी शटर डाउन हड़ताल, कपड़े के ताजिरों ने तमाम दुकानों को ताले लगा दिए। आजम क्लॉथ मार्केट और पाकिस्तान मार्केट बंद, ताजिरों ने मार्केट के मेन गेट को भी ताला लगा दिया। कारोबार पहले ही ठप है, ऊपर से टैक्सेस की भरमार कर दी, इतनी आमदन नहीं जितने टैक्सेस लगा दिए गए। हुकूमत जालिमाना टैक्सेस का नफाज फौरी वापस ले, ताजिरों का मुतालबा। बजट और नए टैक्सेस नामंजूर, ताजिर और सनअतकार सब डट गए। इंडस्ट्री के पहिए को छठे रोज भी ब्रेक, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट, एम्ब्रॉयडरी, स्टील रीरोलिंग समेत दीगर सनअतें बंद। होलसेल डीलर्स भी फैक्ट्रियों से माल ना उठाने पर बाजीद, सीमेंट, सरिया, घी, चीनी समेत दीगर अशिया का बहरान सर उठाने लगा। मुनाफाखोर और स्टॉक माफिया की चांदी, जायद रेट्स में फरोख जारी। इंडस्ट्री बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। ताजिरों से गठजोड़ का इल्जाम या कुछ और, एफबीआर में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। लाहौर रीजनल टैक्स दफातर में 565 मुलाजमीन के तबादले, चेयरमैन एफबीआर और मुशीर वजीर आजम अब्दुल रजाक दाऊद भी लाहौर में मौजूद। नए टैक्सेस और एमनेस्टी स्कीम पर अमल दरामद करवाने की हिकमत अमली पर गौर। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, वजह सामने आ गई। मुनाफाखोर और स्टॉक माफिया का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। जिले इंतजामिया का सुंदर रोड और हंजरवाल में गोदाम पर छापा। गोदाम में छुपाई गई 31,000 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद कर ली गईं। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी कहते हैं कि ये बोरियां जखीरा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पकड़ी गई चीनी को सरकारी रेट पर मार्केट में सेल करवाएंगे। स्टॉक माफिया के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शुगर डीलर जिले इंतजामिया की कार्रवाईयों पर बरहम, कहते हैं ये बोरियां जखीरा अंदोजी के लिए नहीं बल्कि फरोख के लिए मंगवाई थी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी स्कैंडल केस, 12 जुलाई को नैब में शहबाज शरीफ को तलब किया गया। तफ्तीशी टीम के सवालात की तफसीलात लाहौर न्यूज को मौसूल। LWMC के क्याम की समरी फाइनेंस, महकमा कानून की राय लिए बगैर क्यों मंजूर की गई। एक महकमा काम कर रहा था तो LWMC के क्याम को क्यों जरूरी समझा गया। ठेकेदार कंपनी ISTAG को नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर ठेका क्यों दिया गया, नैब का सवाल। नैब ने 7 सवालात पर मुश्तमिल समन जारी कर दिया। किताब तन्हाई का बेहतरीन साथी, लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला ने पढ़ने के लिए जेल में कुतुब मंगवा ली। कुतुब में जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर मुझे कत्ल किया गया भी शामिल। बेनजीर के दफ्तर मशरिक और दीनी कुतुब भी मंगवाई गयी। कैंप जेल में गिरफ्तार लीगी रहनुमाओं से मुलाकात का रोज, ख्वाजा बरादरान हाफिज मियां नुमान से अहले खाना की मुलाकात। लीगी रहनुमाओं, कारकुनों समेत दीगर अफराद की मुलाकात के लिए आमद। लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़ बोले, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। राना सनाउल्ला को जेल में गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। साबिक डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत में यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल करप्शन केस की समाप्त हुई। मुलजिम ने दीगर अफराद के साथ मिलकर 39 गैर कानूनी ठेके दिए, नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। उस्मान अनवर के खिलाफ सबूत मौजूद नहीं, ठेके कानून के मुताबिक दिए गए, वकील मुलजिम का जवाब। अदालत का मुलजिम को 20 जुलाई को दोबारा से पेश करने का हुक्म। सियासत में अगले 90 रोज अहम है, राना सनाउल्ला के चेहरे पर नूर है। शहबाज शरीफ फंस गया, मरियम नवाज जान चुकी कि उसकी सियासत खत्म हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के 37 सूबाई अरकान राजी हो गए। जो भी इस वक्त ज्यादा चीख रहा है समझो उसकी बारी है। शेख रशीद की लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लाह के हुक्म से रेलवे चल पड़ी, 7 लाख मुसाफिरों का इजाफा हुआ।
अस्पताल फुजले की महफूज तलफी के लिए महकमे सेहत का बड़ा इकदाम। फुजले की तलफी के लिए 40 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वजीरे सेहत डॉक्टर जासमिन राशिद कहती हैं कि अस्पतालों से फुजले की चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुजले की महफूज तरसील के लिए कायम कमेटियों को मुतहरिक किया जाए। MS को वजीरे सेहत फुजले की तलफी की हफ्तावार रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अब शहर की सड़कें और चौराहे जगमगाएंगे। जिले इंतजामिया ने 25 चौराहों की स्ट्रीट लाइट्स ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की निगरानी में मरम्मती कामों का आगाज। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी कहते हैं बल्दिया उस्मा की पूरी मशीनरी को मुतहर्रिक कर दिया गया। म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए सड़कों पर निकलना होगा। अहम चौराहों को एक माह में रोशन करेंगे। ट्रक अड्डा और मार्केट को कहां मुंतकिल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सोहलिया सईद का शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात का दौरा। ठोकर मराका और जिना अस्पताल से मुल्हिका इलाके का मुआयना किया। ADCR को मराका और बाटा फैक्ट्री की साइट्स की प्रपोजल तैयार करने की हदायत कर दी। बादामी बाग फ्रूट और सब्जी मंडी भी आमद हुई। सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा। फलों और सब्जियों की नीलामी करवाई। PHA के शुबा मार्केटिंग की नाकज कारकर्दगी। गैर कानूनी इश्तिहारी मुहिम रोकने और नादहिंदगान से वसूलियों में नाकाम। PHA को शुबा मार्केटिंग से 43 करोड़ रुपए खसारे का सामना। आमदन का हदफ पूरा न होने से PHA को इंतजामी मामलात में मुश्किलात। मानसून के बादलों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जोहर टाउन, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, इचरा, लक्ष्मी चौक समेत दीगर इलाकों में रिमझिम। आसमान पर बादलों के डेरे। शहर में ठंडी हवाओं के बसेरे। मौसम सुहाना, गर्मी का जोर टूट गया। हवा में नमी का तनासुब 66% रिकॉर्ड। दर्ज हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। मानसून का हालिया स्पेल 2 रोज तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद की सूरतहाल का जायजा लिया। सर्विसेज हॉस्पिटल भी गए। मरीजों की इयादत, तिब्बी सहूलियात का जायजा। बोले रात गए शहर के दौरे का मकसद हकीकी मसाइल से आगाही हासिल करना है। मानसून बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रात से वक्फे से बारिश का पानी जमा हो गया। बादामी बाग लारी अड्डा में पानी ही पानी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कैंट कचहरी में 1-1 फीट पानी जमा। वकला और साइलिन का चैम्बर्स में पहुंचना मुहाल हो गया। गेट नंबर 2 के करीब दरख गिरने से गाड़ियों की पार्किंग भी मुतासिर हुई। बिडन रोड पर बारिश के पानी से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रात आंधी से GC यूनिवर्सिटी में बिजली का खंबा और दरख गिर गया। तनख्वाहें चेक के बजाय कैश में दी जाएं। टेक्निकल अलाउंस, अपग्रेडेशन और मस्तकली का मुतालबा। रेलवे मुलाजमीन का रेलवे लोको वर्कशॉप मुगलपुरा में एहतजाज। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी। दुकानदारों की मनमानियां। सब्जियां वाट की पहुंच से दूर हो गई। सरकार के तयकर्दा रेट से डबल दाम वसूल करने लगे। प्याज 43 रुपए की बजाय 60 रुपए किलो में फरोख। अदरक 252 की बजाय 300 रुपए किलो बिकने लगा। करेले की कीमत 78 रुपए की बजाय 90 रुपए मुकर्रर। महंगाई से सताए शहरी मजीद परेशान हो गए। रेलवे स्टेशन रोड पर मरम्मती काम में ताखीर हादसात का सबब। सड़क पर डाले गए गड्ढे में रेत से भरा ट्रक उलट गया। 5 घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद ट्रक को नहीं निकाला जा सका। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की घरेलू मुलाजमीन को रजिस्टर करने की मुहिम सुस्तरवि का शिकार। 2 माह में 4 शहरों से सिर्फ 1100 मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन हो सकी। मुहिम का आगाज 2 माह कबल हुआ। मुलाजमीन की खुद को भी रजिस्टर करवाने में आदम दिलचस्पी का इजहार। नेशनल जूनियर टेबल टेनिस खिलाड़ी हुकूमती सरपरस्ती की मंतजर। खातिन खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म से दीगर खेलों पर तवज्जो देने की अपील।
नेशनल जूनियर टेबल टेनिस की खिलाड़ी अदम तवज्जही पर मायूस, टेबल टेनिस खिलाड़ियों मानैन सुहेल और परनिया खान की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू।